हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अदितिश किचन में। आज हम लेकर आए हैं भुने हुए बैंगन आलू का चोखा, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यह रेसिपी बहुत ही आसानी से फटाफट बनके तैयार हो जाती है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसे बनी है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक भुना हुआ बैंगन लिया है, दो आलू भुनी हुई लिए हैं, एक टमाटर लिया है भुना हुआ, 10 से 12 कलियां लहसुन की भुनी हुई ली हैं, एक चॉप किया हुआ प्याज, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक चम्मच नमक डाल देंगे, अपने स्वाद अनुसार नमक ही डालें, दो चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया डाल देंगे और एक नींबू का रस इसमें डाल देंगे। आप इसमें नींबू की जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अगर आप चोखा बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे बाटी के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बाटी के साथ यह चोखा बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको इस तरह से चोखा नहीं पसंद है तो इसमें आप तड़का भी लगा सकते हैं और इसे बॉईल करके भी बनाया जा सकता है। बहुत लोगों को भुने हुए की स्मेल आती है तो इसे बॉईल करके भी बना सकते हैं। तो देखिए, आलू बैंगन का चोखा बनकर तैयार है। देखने में कितना यम्मी लग रहा है। इस चोखे को प्लेट में सर्व कर लेंगे। और इसे गर्मा गर्म बाटी में घी डाल के खाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है चोखा बाटी के साथ। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इस बाटी की रेसिपी आपको मेरे YouTube चैनल पे बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। अगर ये मेरी वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।